उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद जहां अब शहरी सीमा क्षेत्र हो या फिर तहसील क्षेत्र, सभी दूर टीका केंद्र बनाकर गंभीर महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इन टीकाकरण केंद्रों पर 45 वर्ष से ऊपर के ग्रामीण और स्थानीय रहवासी पहुंच रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर के महिला पुरुषों को टीके लगाए जा रहे हैं। इसी दौरान भैरू पचलाना दुनालजा मोहड़ी ग्राम पंचायत परिसर में टीकाकरण किया गया, जहां पर शासकीय विभाग के अधिकारी, पटवारी, डॉक्टर, नर्स और ग्राम पंचायत सचिव सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दुनालजा पंचायत है, यहां पर सब बढ़िया चल रहा है और पूरा क्षेत्र में जानकारी है, सबको बोला हुआ, बाहर के लोग भी कोई भी यहां पर लगा सकते हैं, डॉक्टर वगैरह नर्स सब कम्प्लीट है और गाँव में भी चौकीदार द्वारा वगैरह सबको बोल दिया, हमने भी बोल दिया, हमारा जनपद सदस्य पप्पू सिंह ने भी बोला और उन्होंने भी टीका लगा रखे है। बाकी वैक्सीन वगैरह बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, 100 के करीब पार हो गए, अभी 150 का टारगेट था। ये वैक्सीनेशन सेंटर ग्राम पंचायत दुनालजा है और 100 का टारगेट दिया था और 100 पूरे हो चुके हैं, पर वैक्सीन जो है 150 आई हुई है। मैं सुरेश चंद शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। किस प्रकार से जो है चिन्हित किया जा रहा है, किस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है और किस प्रकार से क्या है? सभी व्यक्तियों को हम मास्क लगा करने की सलाह और सैनिटाइज और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई साइड इफेक्ट वगैरह या कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट अभी नहीं दिखाई दिया है, ऐसा कोई लक्षण वगैरह दिखाई नहीं दे रहा, कोई लक्षण नहीं दिखाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।